आप नहीं चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। यस, अब मेरा मुंह मत खुलवाना। ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था, इसका उत्तर भी ये लोग दें। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। प्लीज थिंक दैट मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल नेशन। शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहाँ भाषण देने के पहले। औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज इनको मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार भी, दो बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहाँ स्थापित होगी। जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो, मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। आप नहीं चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है। कांग्रेस की सरकार के समय आजादी से आज तक 67 वर्षों में हम लोग केवल 12 नंबर से 10 नंबर पर पहुंचे, और जब 9 साल में 10 नंबर से हम 5 पर पहुंच जाएं तो अरिथमेटिक नेगेटिव बढ़ जाती है। ये दोगली नीति कहां से हुई? और आज हमारे दोस्त अमोल कोले जी ने पर कैपिटा इनकम की बात उठाई, मुझे खुशी है उन्होंने उठाई। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय ये सुनते हुए कि भारत 67 सालों में भी सब साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम को हमने पार नहीं किया जब इनकी सरकार होती थी। 9 साल में पर कैपिटा इनकम आज डबल हो चुका है सभापति महोदय। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है, केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है।